बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। मैं यार ये वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा हंस भी रहा था, और फिर मैंने बात सोची, मैंने बोला आप साथ भी शेयर कर दूं। हंस क्यों रहा था? हंस मैं इसलिए रहा था कि ये कौन बंदे हैं यार जो बल्दिया का बर्मील पड़ा हुआ है उसमें से चीज़ें उठा रहे हैं। मैं पहले ये सोचा शायद कि खाने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा है कि ये आलू जी, पोटैटो, आपको बताइए आलूओं के कीस हैं जी, जो सऊदी अरब में आपको पता ही 5 रियाल का, 7 रियाल का, 10 रियाल का ऐसे हिसाब होता है इनका, तो ये कीस, अच्छा ये जो रेडी है जी किसी मॉल वगैरह की, उसमें लाद रखे हैं, और काफ़ी कीस हैं, 10 से 15 या 20 होंगे अभी निकाल रखे हैं। आपको यहाँ पर मैं वो वीडियो या उसकी पिक्चर भी दिखाता जाऊँगा। और मैंने जब ये वीडियो देखी है उस टाइम मैंने देखा यार ये तो बेचने के लिए निकाल रखे हैं, तो इनकी, इनको पकड़ा तो जाएगा जल्द ही कि ये आप क्यों कर रहे हैं, इनसे यानी कि पूछ की जाएगी मुकम्मल। लेकिन आप भाई अगर किसी भी ऐसे फालतू बैठे हुए सब्जी वाले से सब्जी या आलू या प्याज खरीदते हैं तो अपने जहन में ये बात रखिएगा, अच्छे से तसल्ली कीजिए, साफ सुथरी चीज खरीदिए, क्योंकि ये जो बड़ी मार्केट्स होती हैं इनमें कोई ना कोई किसी किस्म का हल्का फुल्का किसी कीस में इनको दाग दिखाई देने लग जाए 2-4 आलुओं के ऊपर, तो ये कीस वो फेंक देते हैं। ये लोग उठाकर बाहर हम जैसे गैर मुल्कियों को भाई 5 रियाल का, ये 2.5 रियाल का है, 5 रियाल के दो, 5 रियाल के दो, ऐसे बेच देते हैं। तो इन चीजों के ऊपर गौर करें, इनकी तसल्ली करें, फिर खरीदें, एक रियाल महंगी ले लें चीज, खासकर आपने खुद से खानी है यार।